मैं खुशरू आपका स्वागत करती हूं आप बार बानी गॉसिप में। बिग बॉस 16 की टीआरपी रिपोर्ट ले आई हूं आपके सामने। आपके अकॉर्डिंगली बिग बॉस 16 इतना ज्यादा हिट जा रहा है, हर हफ्ते जो है इसकी टीआरपी में काफी सारे बदलाव आ रहे हैं। अगर इस हफ्ते भी टीआरपी काफी ज्यादा हाई है और सुपर डुपर हिट जो है इस हफ्ते बिग बॉस जा रहा है, तो आपके अकॉर्डिंगली कौन है वजह, कौन सा कंटेस्टेंट जो है इतनी हाईएस्ट टीआरपी लेके आ रहा है? या आप लोगों को लगता है कि भाई सब लोगों के कंटेस्टेंट की वजह से इतनी ज्यादा टीआरपी आ रही है, या आप लोगों को ये चीज लगता है कि भाई उस टाइम पे कोई और शोज नहीं चल रहे हैं इसीलिए लोग जो है टाइम पे इसीलिए बिग बॉस 16 देख ले रहे हैं इसीलिए टीआरपी ज्यादा आ रही है? क्या है आपके विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कलर्स टीवी काफी ज्यादा लोग देखते हैं, कलर्स चैनल काफी ज्यादा लोग देखते हैं, इवन मेरे घर पे भी कलर्स के ही पूरे एपिसोड जो भी सीरियल्स है वो देखे जाते हैं। काफी सारे सीरियल्स जो है कलर्स पे आते हैं, शाम 7 बजे से शुरू हो जाते हैं और रात 11 बजे तक जो है कंटिन्यूसली बिजी रखते हैं ये सीरियल्स घर के अंदर बैठे हुए सदस्यों को। और इसी बीच में अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि भाई नियर बाय के कुछ सीरियल्स के नाम मैं आप लोगों को बोलती हूँ जो कि अभी हाई चल रहे हैं। उडारिया की अगर मैं बात करूँ तो 1.5 जो है टीआरपी है, वहीं पर परिणीति की 1.4 है, वहीं पर जो है धर्मपत्नी 1.1 है और दुर्गा और चारू की 1.0 है। तो यहाँ पर अग्नि साक्षी जो अभी नया सीरियल स्टार्ट हुआ है 1.0 है इसकी भी टीआरपी। तो यहाँ पर अगर हम लोग नागिन की बात करें तो 1.5 जो है टीआरपी नागिन की है, पर सबसे हाईएस्ट सबको पीछे छोड़ चुका है कलर्स टीवी पे आने वाला बिग बॉस रियलिटी शो, सब सीरियल्स को ही पीछे छोड़ चुका है, मात दे चुका है 2.1 टीआरपी ओवरऑल जो है इस बार बताई जा रही है बिग बॉस 16 की है। आप लोग मुझे बताइए कि कौन है इतनी ज्यादा हाईएस्ट टीआरपी लाने की वजह, कौन सा कंटेस्टेंट है? या आप लोगों को मैंने जब स्टार्टिंग में बोला कि हाँ भाई सब लोग है तो बताइए जरूर अपने विचार। सुपर डुपर हिट जा रहा है ये शो। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।